उसको मार्केटिंग करने की एक प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया था इसको, जिसमें उनका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, उनके इंटरनेशनली उनको एक्सपोजर और ये सब मिले। इस बार का जो संस्करण है ये बेहद रुचि वाला है और सबसे बड़ा संस्करण होने जा रहा है, क्योंकि इस बार हमने फोकस किया है इसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाने की, जिसमें करीबन जो पहले 10-12 केवल कंट्री से एग्जिबिटर आते थे, इस बार 60 कंट्रीज से एग्जिबिटर्स आएंगे और 120 कंट्रीज से विजिटर्स आएंगे। तो यहाँ अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फील्ड में, इलेक्ट्रिकल के अलावा जो डिजिटलाइजेशन है, IoT है, इंडस्ट्री 4.0 है, इन सब के ऊपर भी यहाँ पवेलियंस होंगे। हमने इस बार पहली बार बिल्ड इलेक करके जो लो वोल्टेज सेगमेंट का है उसको भी हमने इस बार कॉन्फ्रेंस रखी है। सबसे अहम बात है कि हमने इस बार RBSM रिवर्स बायर सेलर्स मीट, जहाँ की करीबन 85 कंट्रीज से 650 लोग आएंगे, और DBSM में 250 बायर्स आएंगे करीबन 110 यूटिलिटीज से इंडिया की, जिसमें B2B मीटिंग होगी। जो एग्जिबिटर्स हैं वो B2B मीटिंग कर सकते हैं, और जो भी इंक्वायरीज हैं उनकी क्वेरीज हैं वो सब नए सिरे से उनको बता सकते हैं अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इससे काफ़ी बिजनेस जनरेट होगा। और इसके अलावा जो हमने नई इसमें करी हैं, जैसे वीमेन इन पावर, हमने देखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ 50% वीमेन काम करती हैं, और पिछले कुछ सालों में ज़्यादातर वीमेन हमारी IT सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो उनको एनकरेज करने के लिए हमने ये पावर सेक्टर में वीमेन का कैसे रोल और बढ़ सकता है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न है कि हम 5 trillion इकोनॉमी अगले 2025 तक करें, उसमें ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपस में शेयर करेंगे अपना नॉलेज। इसके अलावा ईटेक नेक्स्ट करके एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ की एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं उसके बारे में डिस्प्ले होगा, जहाँ की स्टार्टअप भी अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करेंगे। इसमें अब जो हमारा एरिया है वो इलेक्रामा एग्जीबिशन हर साल 20-25% बढ़ रही है। पहले हमने बॉम्बे में छोटा पड़ता था, तो हम बेंगलोर गए, बेंगलोर से अब हम नोएडा आए हैं। नोएडा में हमारा 1,10,000 स्क्वायर मीटर पे पूरा एग्जीबिशन है, जिसमें कवर्ड एरिया अराउंड 40,000 स्क्वायर मीटर है, और हमारे टोटल एग्जीबिटर्स 1,370 प्लस एग्जीबिटर हैं, जिसमें से 1,050 एग्जीबिटर इंडियन हैं और 320 से ज़्यादा एग्जीबिटर विदेश के हैं।